वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईसीसी एनालिसिस एंड रिव्यूज। क्या शर्मनाक हरकत की है पीसीबी ने। हम पूरी अवाम इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 की जो प्रोमो वीडियो लॉन्च की है, हर फेमस खिलाड़ी को उन्होंने दिखाया है। जो बंदा तीनों फॉर्मेट में टॉप रैंकिंग्स में है, बाबर आजम जिसका नाम है, उसको उन्होंने दिखाया नहीं है, जिसका नाम आपको बहुत ज्यादा चुभता भी है। और पाकिस्तान को जितना उन्होंने दिखाया वो भी फजूल किस्म की एक कंट्रोवर्शियल वो एड की तरह उन्होंने दिखा दिया उसके अंदर। ठीक इसी तरह अभी इसका इस चीज का स्यापा खत्म नहीं था हुआ, पीसीबी ने भी वही हरकत कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिस्ट्री 1992 के वर्ल्ड कप और इमरान खान के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। वीडियो के अंदर तमाम खिलाड़ी जो हैं, जो 1992 के जो लेजेंड्स हैं उनको दिखाया गया, और जो कप्तान साहब हैं उनको आपने दिखाया ही नहीं है वीडियो के अंदर। वो आपने क्रॉप करके साइड पे लगाया हुआ है, एक भी उनकी तस्वीर नहीं है उसके अंदर। आप क्रिकेटर्स के दिल से इमरान खान एज अ स्पोर्ट्समैन कभी नहीं आप निकाल सकते। ये एक शर्मनाक हरकत है। हम सबको पता है कि ये जो पूरा सेटअप है ये किसके कहने के ऊपर आया हुआ है, मतलब ये पीडीएम का सेटअप है। तो पीटीए के आप खिलाफ हैं, ठीक है, खिलाफ रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो पॉलिटिकल इश्यूज आपके अपने हैं, लेकिन एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको पता है कि आप मुखालिफ भी हैं, तो आप जो चीज उनकी अचीवमेंट्स है वो आप उसके अंदर लिखेंगे। ज़का अशरफ साहब, इमरान खान को आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको उनकी जरूरत है, आपको उनके फेस की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने पीसीबी का कोई इमेज आपने बड़ा करना था, अंदर इमरान खान की तस्वीर होना चाहिए थी 1992 के वर्ल्ड कप की, नहीं तो आप भी उसी तरह हम वहां पे बीसीसीआई को गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने हमारे क्या नाम है बाबर आजम का अंदर जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हो रहा, भाई उसकी प्रोमो वीडियो बन रही है, उसके अंदर ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात जो बीसीसीआई ने की है वही अब पीसीबी ने कर छोड़ी है। पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को आपस में मिलाना छोड़ दें यार, स्पोर्ट्स एक जगह है, पॉलिटिक्स एक जगह है, और जो आप पॉलिटिक्स के अंदर जाके आप सियासी निशाने बनाते हैं उनको, ऐसा नहीं, हर किस नहीं होना चाहिए, मैं पूरी मजम्मत करता हूँ। एक ही मुश्किल से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है, 1992 में 50-50 ओवर्स का, उसके कैप्टन साहब वो आपकी वीडियो के अंदर शामिल नहीं है। ये किस तरह की आप ये अचीवमेंट पाकिस्तान की दिखा रहे हैं, ये जो पीसीबी ने परसों जो वीडियो एक लॉन्च की है। और दूसरी जान वो जो मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान की अचीवमेंट्स की, वो उसकी सेम टू सेम उन्होंने कॉपी तैयार की है। वो नेटिंग स्क्रिप्ट तो बंदा बदल लेता है यार, आपने तो इतनी जल्दी में वीडियो तैयार की है कि वो तस्वीरें भी वो ही तकरीबन आपने लगा दी हैं मेरी वीडियोज वाली, तो ये भी मतलब कि कोई क्रेडिट से बंदा दे देता है। मैंने 14 अगस्त को शाम तकरीबन 6:30 के करीब वीडियो अपलोड की है और उसके अंदर पीसीबी को मेंशन किया है, मगर मैंने तो अपनी तरफ क्रेडिट्स दिए हैं ना उनको, और उन्होंने देखें कि यार एज ए रिटर्न मुझे दिया कि उन्होंने ठीक उसी तरह की तकरीबन वो मतलब जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो उन्होंने कॉन्टेंट जो मेरा चोरी किया है, और आधे घंटे के बाद उन्होंने अपने चैनल पे जी एक वीडियो लगा दी है, नई तस्वीरें ला के वॉइस ओवर करके उन्होंने लगा दी है, उन्होंने उसी तरह की वीडियो बनाई है। और मजे की बात है जो फोटोज मैंने यूज की हैं अंदर 4-5 वही उन्होंने, मतलब कि जल्दी में जब आप किसी को कॉपी करते हैं तो ये इतना तो फिर हो जाता है ना, तो यार बंदा मतलब कि थोड़ा बहुत क्रेडिट सी दे देते हैं। अब आपके भाई का कंटेंट अभी चढ़ा नहीं है तो चोरी होना शुरू हो गया, आप साफ लगा लें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अपनी कीमती आरा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।